केडी बोल दो ना। नहीं दूंगा। प्लीज दो ना। केडी चॉकलेट। तू केडी पाठक को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, नहीं चाहिए ना। अच्छा ला ला ला, ला दे। अब जा। बॉल तो दो। नहीं दूंगा। क्या ये? बॉल भी ले लिया और चॉकलेट भी? अच्छा सुन, इधर। तू अंडर वाटर रह सकता है? हाँ। कितना टाइम तक? 2 मिनट। 2 मिनट? मैं मेरे कॉलेज में 3-3 मिनट। 3 मिनट? क्या बात है मिसेस विल्मोर, क्या बात है? अच्छा तुझे पता है मैं आधा घंटा अंडर वाटर रह सकता हूँ? आधा घंटा? हाँ। हो ही नहीं सकता। और अगर हुआ तो? अगर मैंने साबित कर दिया तो? तू यहाँ से जाएगा? जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। तेरे पास स्टॉप वॉच है? हाँ है, लेटेस्ट। अच्छा, अरे वाह, अच्छी है। ये देख, टाइम चालू, ये वाटर और मैं इसके अंडर। चलो भी आधा घंटा वेट करते हैं। क्या केड़ी, बच्चे को उल्लू बनाते हैं? देख, उन्हें प्रॉमिस किया था। अब जाए यहां से, भाग। सुन, क्या है अभी? ये ले। क्या केडी? आई नो मिसेस बिलमोरिया, पुअर जोक, लेकिन काम बन गया ना भाई। कुछ भी बोलो, भावीर रियल एक्टिंग करती है ना। हाँ यार, लेकिन ये थकेला हीरो एक्टिंग नहीं, असली में कर रहा है। क्या मतलब है तेरा असली में? उस साले को पता नहीं कि रीना मेरी क्या लगती है? पता है भाई, पर अपने आप को असल लाइफ का हीरो समझता है वो कार्तिक कुमार। जाने दो ना भाई, आपको पता है ना, ये दोनों छोटी सी बात को भी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। भाई आज वर्मा बिल्डर से वसूली करनी थी, उसको फोन करो ना, देर हो गई तो फिर। क्या रे, जब से तेरी नई फिल्म शुरू हुई आजकल मुझे फोन ही नहीं करती तू? इस कार्तिक कुमार के साथ ऐसा भी क्या बिजी? कहाँ शूटिंग चल रही है तेरी? फिल्म सिटी। अच्छा सुन, मैं वहां। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाई, लाइन कट गई क्या या फिर काट दी? डरा ही दिया। अब शॉट रेडी है क्या? शॉट का तो मुझे पता नहीं, पर हम तो तुम्हारे लिए हमेशा से ही रेडी हैं। ये तुम्हारे लिए। कार्तिक प्लीज, मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि राघव को ये सब पसंद नहीं है। देखो अगर राघव को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा।
हे, यू नो व्हाट, तुम उसे राघव नहीं राघव भाई बुलाओ, जो इस वक्त जेल में है। जेल में नहीं। इधर से खड़े रहे, भाई आ रहे ले। तेरे मेकअप वैन में क्या कर रहा है? जानो वो क्या है ना इस वैन में? एक्चुअली इस वैन में दो कमरे हैं, एक मेरा और एक कार्तिक। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो मेरे साइड का दरवाजा खराब है, इसीलिए मैं बीच के डोर से अपने कमरे में जा रहा था रीना के। ए, रीना भाभी बोल। भाभी का नाम लेता? एक और दरवाजा बचा है जो मैं तेरे लिए खोलने वाला हूँ, मौत का। बोल, जाएगा ऊपर। बोल। नहीं नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो तुझसे चिपकेगा तो तू भी चिपकेगी। हाँ, मजा आता है तुझे? मजा आता है भाई? वो आज वर्मा बिल्डर को फोन करना था। फोन करना चाहिए ना भाई। भाई चलो भाई, सब बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने? बाहर जाके बैठ कर और दरवाजा बंद कर। शूटिंग की चाय कमाल की चाय होती बापू। सब और डालू क्या? ये ले किशोर चाय। सब आपके लिए, सब चाय। अबे जा रहा है यार। अरे मेरे भाई, तू भी क्या टेंशन लेके बैठा हुआ है? अबे गुस्सा थूकना साला। ये साली 2% की हीरोइन, देखना अपना धंधा चौपट करके रहेगी। यहाँ भाई गिरी नहीं, इश्क गिरी हो रही है। अरे मेरे भाई, तेरे को बोला ना टेंशन मत ले, काय को टेंशन ले रहे ना? अरे भाई अंदर है ना रीना या भाभी का गेम। अरे बोल, कौन है असली हीरो? मैं या वो? तू तो मेरे रियल लाइफ का हीरो है, तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अच्छा, जान दे सकती है? साबित कर। तू मौका तो दे, अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ तुझे। किसने दिया? कार्तिक लाया था, लेकिन मैंने
किया नहीं। इसकी तो यार ये शूटिंग में आके ना बोर हो जाता हूँ मैं यार। क्या बोलेगा यार, समझे बोलता भाई की इज्जत के लिए आया ला। तो भाई टाइम लगा रहे ले। समझ ला भाई सर। ये प्लेन के चुपड़े की गाड़ी है। भाई ने कुछ कर तो नहीं दिया? राघव तूने ये क्या किया? पर अपुने नहीं मारा इसको। राघव तो भाग यहाँ से। अगर पुलिस आ गई तो तुझे नहीं छोड़ेगी। भाभी जी ठीक बोलती है। बड़ी मुश्किल से आपको बेल मिला है। जरा भी लोचा होगा ना तो आप गए अंदर लंबे समय के लिए। भाई दौड़ तब खत्म। चलो भाई भाई। हाँ भाई चलो भाग चलते यहाँ से। नहीं लेकिन रीमा तुम मेरी फिकर मत कर, मैं संभाल लूंगी। रीना जी आप दोनों यहाँ। ये क्या कार्तिक जी का खून? किसने किया? मैंने मारा कार्तिक को। केडी पाठक राघव भाई अपुन एक केस लाया है तेरे लिए जो तुझे गारंटी जीतने ही मांगता है वरना भाई तुझे तोड़ देंगे समझा? ए राइट किसका केस है? हम में से? हाँ क्योंकि मुझे ठोको उससे पहले मुझे ठोकना पड़ेगा केस आप सब पे सेक्शन नंबर 146 दंगे के इरादे से तोड़फोड़ करना सेक्शन नंबर 506 जान की धमकी देकर काम करवाना वगैरह वगैरह कई सेक्शन ऐसे होंगे जो आप लोगों ने तोड़े होंगे गिनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। देख केड़ी अपुन इधर तेरे से पंगा करने को नहीं आया बस तू मेरी रीना को जेल से बाहर निकाल दे। रीना वो फिल्म स्टार जिस पर हाँ वही जिस पे हीरो कार्तिक कुमार के खून का इल्जाम है पन 100% खून रीना ने नहीं किया और ये बात तुझे अदालत में साबित करनी है। अच्छा अगर आपको लगता है कि वो बेकसूर है फिर आपकी नजर में कसूरवार कौन है? यही तो तुझे पता लगाना है पर रीना बेकसूर है केडी। वो क्या ना केडी भाई भाभी ने बोल दिया है कि मर्डर उन्होंने ही किया है। ऐसी केडी मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम ये केस लड़ी क्यों रहे हो जबकि रीना ने खुद ने ये कबूल किया कि खून उसी ने किया। तभी देख जिस तरह से बेगुनाह की बेगुनाह ही साबित करनी पड़ती है उसी तरह गुनहगार का गुनाह साबित किए बिना उसको सजा तो नहीं दे सकते समझा? छोड़ ना कहानी बता क्या हो? केडी ये कार्तिक का कमरा है और ये रीना का। केडी यहाँ कार्तिक बैठा था
और रीना राघव वहां, और राघव के तीन आदमी वहां बैठते हैं 10 फीट की दूरी पर। ये दोनों कमरे जुड़े हुए एक दूसरे से? हाँ, बीच में एक दरवाजा है। चल खड़ी एक मिनट। कड़ी बारिश में लकड़ी फूल जाती है, इसलिए ये दरवाजा जाम है। कत्ल के वक्त दरवाजा खुला था? जाहिर, वरना रीना यहां कैसे आ पाती? दवे वो खिड़की, खिड़की बाहर से नहीं खुलती, सिर्फ अंदर से खुलती है। उस समय वैन में एसी चल रहा होगा तो खिड़कियां बंद ही रखी होगी। जाहिर सी बात है कि कत्ल के हथियार पर रीना के उंगलियों के निशान होंगे। हाँ, इसीलिए उसे पकड़ा गया है, और जब से पकड़ी गई है एक ही बात की रट लगा रही है। कार्तिक को मैंने मारा है। जब मैं खुद अपना गुनाह कबूल कर रही हूँ तो तुम क्यों मुझे बचा रहे हो? वो इसलिए रीना जी कि जिस वक्त गोली चली उस वक्त वैन में कार्तिक के अलावा सिर्फ आप और राघव थे। ये कत्ल राघव ने किया है और आप अपने प्रेमी को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पे ले रही हैं। Am I right or am I right? What rubbish! राघव ने कुछ नहीं किया। कब तक झूठ बोलेंगे रीना जी? वैसे भी राघव और उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, कल इस केस में अदालत में गवाही भी देंगे। It's time to tell the truth. मेरे राघव को पकड़ लिया? मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। कल अदालत में मैं अपना जुर्म कबूल करूंगी और मेरे राघव को बचा लूंगी। और तुम केस हार जाओगे केडी पाठक। मुझे ये केस हारने का कोई गम नहीं होता रीना जी, अगर आपने वाकई में कत्ल किया होता तो। और आप अगर सोच रही हैं कि मैं राघव से डर कर या उसके दबाव में आकर ये केस लड़ रहा हूं, ये गलत है। मैंने ये केस सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप बेगुनाह हैं। केडी पाठक के होते हुए किसी बेगुनाह को सजा हो जाए, ये हो नहीं सकता। योर ऑनर, फिल्म एक्ट्रेस रीना सिंह ने खुद कबूल किया है कि इन्होंने ही कार्तिक कुमार का कत्ल किया है। और अगर गुनहगार खुद ये बात कबूल कर रही हैं और वो भी बिना किसी के प्रेशर में आए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि केडी पाठक का ये कहना कि ये बेकसूर है कोई मायने नहीं रखता। At least, I don't think so. Your Honor, गवाहों के बयान से अगर केस सुलझ जाते तो सबूतों की अहमियत ही क्या रह जाती। अगर कोई झूठा इल्जाम अपने सर पर लेकर असल खूनी को बचा लेता है तो यह कानून की हार है, और हम कानून के रखवालों का फर्ज है कि हम सच्चाई सबके सामने लाएं। आप इस केस में फैसला सुनाएं, उससे पहले मैं साबित करना चाहूंगा कि मिस रीना सिंह का इकबाल जुर्म झूठा है, कत्ल किसी और ने किया है। केडी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए सुरवीर। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन क्यों चट साहब, कार्रवाई करके क्या मिलेगा आपको? मैं खुद कह रही हूँ कि कार्तिक को मैंने मारा है। Order, order. मैं तुम्हारे साथ हूँ रीना। तुम अदालत को बताओ कि तुमने कार्तिक कुमार को क्यों मारा था। हो सकता है कि तुम्हारी बात सुन के इन लोगों को तुम पर यकीन आ जाए। क्योंकि कार्तिक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। घबराओ मत, तुम्हारी जगह कोई और होता तो यही करता अपने आप को बचाने के लिए। Your Honor, ये अपने आप को नहीं असली कातिल को बचा रही है, जैसा कि मैं कह चुका हूं। एनीवे, मिस रीना सिंह, ये बताइए कि ये कत्ल का हथियार, ये गन, ये आपके पास कैसे आया? खरीदी थी मैंने अपनी हिफाजत के लिए।
और इस गन पे इनकी उंगलियों के निशान है योर ऑनर, नोट किया जाए। वैसे रीना, ये आपने कहा कि ये आपकी गन है, लेकिन ये तो बेनामी है, ना कोई लाइसेंस ना पेपर्स। कहां से लाई है? वो मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। ऐसी ब्लैक मार्केट? आपके प्रेमी राघव साहब तो बहुत ही मशहूर है इस शहर में। कार्तिक भी जानता था कि ये आपके कमरे में है, उसके बावजूद कार्तिक ने आपके साथ जबरदस्ती करने की हिमाकत की। इट्स सरप्राइजिंग। जाहिर है कि ये कार्तिक की बेवकूफी थी, और वैसे भी राघव तो मेरे कमरे में सो रहा था। वो तो कार्तिक को मेरे मारने के बाद उस कमरे में आया। अरे झूठ बोल रही है ये सबसे आखिर में आई थी वहां पे मिलोर्ड। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना यहाँ कटघरे में आकर कहिए। रीना बेकसूर है जज साहब, क्योंकि कत्ल से पहले हम दोनों का झगड़ा हुआ था और मैंने उसे मारा था और बेहोश गिरी थी। राघव, अगर रीना बेहोश थी तो इसका यह मतलब हुआ कि कार्तिक का कत्ल तुमने किया है। नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, लेकिन हां मैं मारना चाहता था उसे। तो बीच का दरवाजा नहीं खुला, उसको ढकेलने के चक्कर में किसी ने दूसरी तरफ से उस कार्तिक पर गोली चलाई। किसने? कार्तिक वैन में अकेला था, और तुम्हारे बयान के मुताबिक तुम्हारे तीनों साथी वैन के बाहर बैठे थे। गोली किसने चलाई मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ इतना देखा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे पहले वहां पे संतोष, अफजल और केशव थे। तुम अपनी महबूबा को बचाने के लिए इल्जाम अपने ही आदमियों पर लगा रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं प्रोसिक्यूटर साहब। राघव झूठ बोल रहा है। और अगर सच भी बोल रहा होता तो एक ऐसे हट्टे कट्टे आदमी के लिए दरवाजा खोलना अगर इतना मुश्किल था तो रीना के लिए कितना मुश्किल होगा। मेरे अनुसार हुआ यह योनर, राघव ने रीना को थप्पड़ मारा, रीना गिरी और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो गन मेरी नहीं है और नहीं मैंने उस हीरो को मारा है। अब चाहो तो मेरे इन तीन आदमियों से पूछ लो। चलिए उन्हीं से पूछते। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह केशव मसगांवकर। मैं बताता हूं आपको सच, वो हीरो का खून ना तो राघव भाई ने किया है और ना ही रीना, मेरा मतलब है, और ना ही रीना भाभी ने किया है। उसका खून तो उस फिल्म के डायरेक्टर ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर, आपका मतलब मिस्टर धीरेन्द्र चट्टोपाध्याय? हाँ साहब, मैं, ये अफजल, संतोष, हम तीनों ही वैन के बाहर बैठे थे साहब, और हमने देखा कि ये डायरेक्टर साहब बड़ी तेजी से वैन में जा रहे थे। एक मिनट केशव, क्या मजाक है ये? ये डायरेक्टर वहां कहां से आ गया? अगर आपको यकीन ना हो तो इन दोनों से पूछिए ना।
माँ कसम जज साहब, ये केशव सच्ची बोल रहा है। वो डायरेक्टर ही वैन में घुसा था, आपने खुद देखा। और मैंने भी देखा, एक साथ तीन आदमी झूठ थोड़ी ना बोल सकते हैं। किसी का कोई पुराना पंगा होगा उस हीरो के साथ। इसकी वजह से हमारे भाई और भाभी पर इल्जाम आ रहा है। तो कार्तिक का खून डायरेक्टर धीरेन्द्र चट्टोपाध्याय ने किया है जी। हम लोगों के हिसाब से तो हमने इसे ही देखा था। आपके हिसाब में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। योर ऑनर, 2:30 पे जिस वक्त गोली चली, उस वक्त डायरेक्टर धीरेन्द्र चट्टोपाध्याय स्टूडियो के सेट के अंदर किसी दूसरे एक्टर का शॉट ले रहे थे। और इस बात के गवाह है यूनिट के 40 मेंबर जो उस वक्त वहां मौजूद थे। उन सबके सिग्नेचर्स उस स्टेटमेंट पे हैं। अब बताओ कि तुम तीनों दोस्त झूठ क्यों बोल रहे हो और किसके बोलने पर बोल रहे हो? बोलो, वरना किसी बेकसूर को फंसाने के लिए सजा होगी। राघव भाई ने हम तीनों को धमकी दी थी कि रीना भाभी की जान बचाने के लिए तुम तीनों झूठ बोलो। इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टर को फंसाने की कोशिश की। ऑर्डर, ऑर्डर। राघव अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए झूठ का सहारा, यहाँ तक कि तुमने अपने ही आदमियों को धमकाया और झूठ बोलने को कहा, क्यों? मैं बताती हूँ योर ऑनर, क्योंकि ये चारों सच छुपा रहे हैं। ये केस शीशे की तरह साफ है योर ऑनर। ये बात सच है कि रीना सिंह ने ही कार्तिक कुमार का खून किया है। अगर रीना सिंह ने कार्तिक का कत्ल किया है तो मैं रीना से पूछना चाहूंगा कि कितनी दूरी से आपने कार्तिक पर गोली चलाई? मुझे कुछ याद नहीं। याद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है रीना? याद करने की कोशिश करो, अंदाजन बताओ। 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 12 फुट, 15 फुट? यही कुछ 3 फीट। तीन फुट? झूठ बोल रही हो तुम रीना अपने प्रेमी को बचाने के लिए। और कमाल के आशिक हो तुम राघव, एक औरत की आड़ में कत्ल किया। वो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये गवाह को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उकसा नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ राघव। रीना को मौत की सजा जज साहब नहीं तुम दे रहे हो। भाव! मैंने मारा उस हीरो को। राघव नहीं, ये झूठ बोल रहा है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। कितनी बार समझाया उसे कि रीना से दूर रहे, लेकिन वो नहीं माना। हीरे की अंगूठी देना चाहता था उसे, इसलिए मैं उसके कमरे में गया। कोई गम नहीं है मुझे, सही किया मैं। चढ़ा दो मुझे फांसी। लेकिन मेरी रीना को जाने दो यार। एक बात बताओ राघव, बयान में तुमने कहा है कि तुमने दरवाजे पर खड़े होकर उस पर गोली चलाई, यानी कि तुम उस वक्त कार्तिक से 5-5.5 फीट की दूरी पर थे? हाँ, लेकिन अफसोस सिर्फ ये कि एक गोली मार पाया उसे। 6 की 6 गोलियां ठोक देनी चाहिए थी उसके अंदर। योर ऑनर, कार्तिक का कत्ल ना रीना ने किया है ना राघव ने। ऑर्डर, ऑर्डर, क्वाइट प्लीज।
दोनों बेकसूर हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये कैसा मजाक है? अभी थोड़ी देर पहले केडी ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि राघव ने ही खून किया है, और अब जब राघव खुद कह रहे हैं कि उन्होंने खून किया है, तो वो कह रहे हैं कि कातिल कोई और है। तो आपको क्या लगता है कि गोली किसने चलाई केडी? मैंने। I hope not, prosecutor sir. केडी, तुम्हें क्यों लगता है कि राघव और रीना दोनों बेकसूर? क्योंकि योर ऑनर, रीना का ये कहना है कि इन्होंने गोली 3 फुट से चलाई, राघव ये कहता है कि इन्होंने गोली 5 फुट से चलाई। फोरेंसिक्स का ये कहना है कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली है, यानी कि कातिल ने कार्तिक के पेट पर गन का बैरल रखकर गोली चलाई। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी कटघरे में आए और हमें इस बारे में बताएं। इजाजत। सर, खूनी ने कार्तिक की बॉडी पर गन लगाकर चलाई, क्योंकि जब बुलेट इतने पास से चलती है तो उसके फटते हुए गन पाउडर की आग से आसपास का कपड़ा भी जल जाता है। यही नहीं, कार्तिक के जिस्म में भी गन पाउडर के बर्न मार्क्स थे। गोली बहुत ही करीब से चलाई गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है योर ऑनर, गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली है। इससे साफ जाहिर होता है कि राघव रीना को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और रीना खुद झूठ बोल रही है। या फिर योर ऑनर, दोनों झूठ बोल रहे हैं, जबकि कत्ल किसी तीसरे ने ही किया है। ये तो हम बहुत देर से सुन रहे हैं केडी, की कत्ल किसी तीसरे ने किया है। कौन है ये तीसरा? योर ऑनर, राघव ने खुद कहा है कि उसके वहां पहुंचने से पहले उसके 3 साथी वहां मौजूद। तो राघव कोई भगवान तो है नहीं? जज साहब, ये तो प्रूव हो चुका है कि राघव अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है, यहाँ तक कि उसने अपने ही आदमियों को धमकाया और झूठ बुलवाया। वैन के बाहर 3 लोग बैठे थे, 3 लोग, और केडी बाटक भी मानते हैं कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली है। तो अगर वैन के अंदर बैठे लोग गोली नहीं चला पाए, तो फिर वैन के बाहर बैठे लोगों ने गोली कैसे मारी? एक्सीलेंट क्वेश्चन। बड़ा ही हैरतअंगेज केस है, ना अंदर को कातिल ना बाहर को कातिल, तो कार्तिक कुमार का कत्ल किया किसने? हो सकता है केडी, उन 3 आदमी में से एक ने गोली बाहर से चलाई? नहीं हो सकता मिसेस बिलमोरिया, क्योंकि वैनिटी वैन की सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी। तो फिर गोली चली कहां से? ये पता लगाने मुझे एक बार फिर चलना पड़ेगा उस वैनिटी वैन में। कार्तिक कुमार का कत्ल न रीना ने किया है न राघव ने। कार्तिक का कातिल राघव के 3 साथियों में से कोई एक है। ऑर्डर ऑर्डर। जो वैन के बाहर बैठे थे मे लॉर्ड, गोली तो वैन के अंदर चली थी। हाँ प्रोसिक्यूटर साहब, वैसे एक बात है जो कई बार मैं अदालत में दोहरा चुका हूँ, आप नई नई आई हैं दिल्ली से, तो एक बार आपको भी सुना देता हूँ। अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। तो हो सकता है कि इस वक्त जो हमें दिखाई दे रहा हो वैसा ना हो, और जो हो वो हमें दिखाई ना दे रहा हो। जो नहीं दिखाई दे रहा योर ऑनर, वो ये है कि जिस गोली की आवाज सुनकर ये 3 अंदर भागे थे, वो दरअसल गोली की आवाज थी ही नहीं।
रियली? जी। अब वो आवाज भी गोली की नहीं थी? नहीं। तो फिर उस वैन के साइड में मुझे एक काला निशान मिला जिसकी ये तस्वीर है। फोरेंसिक्स ने इस काले निशान की जांच की तो पाया कि ये बारूद का निशान है। बारूद जो पटाखों में इस्तेमाल होता है। पटाखे? यस योर ऑनर, मिनी बॉम्ब, छोटे से हथगोले जिसे दिवाली में बच्चे खेलते हैं, दीवार पर पटक पटक के फोड़ते हैं। मुझे याद है कि मेरे स्कूल में मेरे कुछ शरारती दोस्त थे जो हथगोले लेकर बस के गुजरने का इंतजार करते थे ताकि वो बस पर उसे मारकर लोगों को डरा सके। तुम कहना चाहते हो कि उस दिन किसी ने गोली नहीं चलाई बल्कि उस वैन की साइड में किसी ने ऐसा मिनी बम फेंका जिसका ये निशान है? एग्जैक्टली योर ऑनर, ताकि सबको ऐसा लगे कि वैन के अंदर गोली चली है। एक मिनट, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वैन के बाहर किसी ने पटाखा फोड़ा, लेकिन वैन के अंदर कार्तिक को गोली कैसे लगी? पटाखे की आवाज से? नहीं, गोली से। मैं बताने ही वाला था कि आपने टोक दिया। योर ऑनर, हुआ ये कि किसी ने बड़ी चालाकी से पटाखा फोड़ा और जैसे ही धमाका हुआ तो सबसे पहले सबसे आगे दौड़कर वैन का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। कार्तिक सामने बैठा हुआ था। कार्तिक कुछ करता उससे पहले साइलेंसर लगी हुई गन उसके पेट पर लगाई और गोली चला दी जिसके कारण कार्तिक की मौत। और उसके बाद योर ऑनर, बाहर की तरफ से बाकी के दो महारथी दौड़े और अंदर से राघव और रीना वहां पहुंचे। और जब ये चारों कार्तिक पर ध्यान दे रहे थे तब कातिल ने गन पर से साइलेंसर निकाला, साइलेंसर को जेब में रखा और गन नीचे डाल दिया। इन तीनों में से कौन था वो? वही योर ऑनर जो सबसे पहले मेकअप रूम में दाखिल हुआ था। लेकिन मैं तो सबसे लेट अंदर गया था साहब। आवाज सुनकर भागने से पहले मैं अपने जूते पहनने में लग गया था। मुझसे पहले तो ये दोनों अफजल और संतोष भागे थे। राइट, तो इन दोनों में से पहले अंदर कौन गया था? वो मुझे नहीं पता है साहब। नहीं, कसम से मुझे नहीं पता है साहब। अब इन दोनों से ही पूछ लीजिए ना। संतोष सबसे पहले संतोष गया, उसके काफी देर के बाद में गया अंदर। संतोष ने ही मारा होगा उस हीरो को। साहब ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं तेरे बाद गया था, तुम उससे पहले गया था, याद कर। मैं सच बताता हूं साहब, ये गन जिससे खून हुआ है ये उस अफजल की है। उसी ने मारा होगा ना? हाँ, मेरी गन है वो, लेकिन मैंने संतोष को दी थी रखने के लिए। आप उसी से पूछो ना। हाँ जस साहब, अफजल ने मुझे गन दी थी लेकिन मेरी जेब से किसी ने गन मार ली, शायद कैशो ने मारा होगा क्योंकि बहुत पुराना जब करता साहब। मैंने कोई गन नहीं मारी साहब, और मारी भी होती तो क्या, मैं तो सबसे लास्ट अंदर गया था ना। मैंने बताया ना साहब, मैं अपने जूते पहनने में लग गया था। योर ऑनर, केशव का कहना है कि वो उस वैन में सबसे आखिर में गया और उसके दोनों साथी उसकी बात से सहमत है, तो जाहिर सी बात है कि केशव कातिल नहीं हो सकता। बचे अफजल और संतोष, दोनों ये कहते हैं कि वो सबसे पहले वैन में दाखिल नहीं हुए। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है, और वो झूठा कौन है ये पता लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, डोर का हैंडल योर ऑनर, जिसके उंगलियों के निशान उस दरवाजे के हैंडल पर हैं, वही सबसे पहले घुसा, क्योंकि बाकी दो खुले दरवाजे से अंदर गए थे। इस वक्त मेरे हाथ में योर ऑनर फोरेंसिक्स की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट है, और उस मेकअप वैन में सबसे पहले घुसा था
क्या बात है केडी, किसकी उंगलियों के निशान है? इट्स शॉकिंग योर ऑनर, तीनों में से किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं है उस हैंडल पर। केडी, अब कैसे साबित करोगे कि इन दोनों में से कातिल कौन है? एक रास्ता और है योर ऑनर। उस वैन के नीचे जहां वो काला निशान था, मुझे उस पटाखे की सिल्वर कवर भी मिली थी। मेरे हाथ में योर ऑनर उस पटाखे का फटा हुआ कवर है, और इस रिपोर्ट के दूसरे पन्ने पर उसका नाम है जिसके उंगलियों के निशान इस पटाखे के कवर पर पाए गए। और उसका नाम संतोष है योर ऑनर। सब आपने जो बोला सही बोला सर, आपने मैसेज किया सब, ये दोनों का ध्यान भटकाने के लिए आपने हाथ गोला फेंका। हीरो को आपने गोली मारा। भाई को फंसाना चाहता था ताकि उनके बाद गैंग का इंचार्ज मैं बन सकूं, लेकिन आप उनको नहीं बदल सब। भाभी सारा इल्जाम अपने सर पर रखकर पूरा केस पलटा देगी। ये दोनों लेला वालों के चक्कर में पूरा प्लान चौपट हो गया। केडी, इस फॉरेंसिक्स रिपोर्ट में है तो सिर्फ डोर हैंडल की रिपोर्ट है, इस सिल्वर फॉयल की रिपोर्ट? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी योर ऑनर, सच तक पहुंचने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। उस कागज पर किसी का नाम नहीं, वो कागज कोरा है। वो इसलिए क्योंकि जो रैपर मैंने आपको दिया उस बम का नहीं, बंटी मेरे बिल्डिंग का एक लड़का, उसकी दी हुई चॉकलेट का है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यह अदालत कार्तिक कुमार कत्ल केस में संतोष गुज्जर को दोषी मानते हुए उसे हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस रीना सिंह को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। हाय। चॉकलेट का रैपर? सीरियसली? अब आप क्या करता? जिस केस का आगाज इतना गड़बड़ा था उसका अंजाम तो मीठा करना ही था।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.